गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पराग से जो कि आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है। किस क्लास में हो, कहाँ से और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? तो मैं अभी शिरपुर महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ पे कोचिंग्स के लिए आया हूँ मुंबई में। मैं अभी फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ साइंस, और जेई की प्रिपरेशन भी हाथों हाथ उसके बाजू में चली रही है अच्छे से। एक बहुत ही वेट क्वेश्चन मैं तुमसे आज पूछने वाला हूँ कि अगर तुम्हारा एडवांस क्लियर नहीं होता है तो उसके बारे में कभी कुछ सोचा है कि उसके बाद क्या करोगे? अभी तक लाइक जेई में एडमिशन नहीं मिलना, मतलब आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलना मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक वैसे सोचा ही नहीं है कि आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा या फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मेरा एक ही सपना है कि मुझे आईआईटी से डिग्री लेना है, और अगर एडवांस क्लियर नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तुमको बताने वाला हूँ मैं कि तुम बिना एडवांस क्लियर किए आईआईटी गुवाहाटी से आईआईटी की डिग्री ले सकते हो। ऐसे कैसे, मतलब हम इतने 2 साल से पढ़ रहे, 3 साल से बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं करना चाहती, बट जैसा आप देखोगे जब आईआईटी स्टैब्लिश हुई थी तब उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी, सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम थी, करीब 1000 से 2000 सीट्स उनके पास अवेलेबल थी। अब उस टाइम के हिसाब से आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। गवर्नमेंट जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जितने ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सकती है उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे सीट वो बढ़ाती जा रही है। अब इंडिया जैसी कंट्री में ओबियसली डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रिसोर्सेज हैं, तो ओबियसली 10,000 सीट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर इंडिया। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिलेटेड न्यू एज पॉलिसीज के आने के बाद आईआईटीज भी और फ्लेक्सिबल हो रही है, और ये ट्राई कर रही है कि कैसे ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू घर से ही या फिर कहीं से भी आप आईआईटी लेवल का एजुकेशन पा सकते हो, विद सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ सकते हो। एंड इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम मेजरली फोकस करने वाले हैं अबाउट दिस अमेजिंग डिग्री इन डेटा साइंस एंड एआई फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आईआईटी इज ओनली अबाउट द बीटेक डिग्री एंड आईआईटी डिग्री के लिए सिर्फ जेई एडवांस को क्लियर करना ही एकमात्र तरीका है, तो तुमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आईआईटी एक यूनिवर्सिटी की तरह है जहाँ पे आपके लिए हर टाइप की डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल होती है। अगर बीटेक के अलावा बात करें तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस दैट इज बीएस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज बीआर, और बैचलर ऑफ डिजाइन दैट इज बीडीएस जैसे यूजी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। एंड साथ में बहुत सारे पीजी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है, लाइक एमटेक, मास्टर ऑफ साइंस दैट इज एमएससी, मास्टर ऑफ डिजाइन दैट इज एमडीएस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए। इसके अलावा डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी है एंड साथ में पीएचडी भी होती है। अगर डुअल डिग्री की बात करूं तो इट्स बेसिकली आप एक साथ दो डिग्री कर सकते हो, जैसे कि मेरी डुअल डिग्री थी केमिकल इंजीनियरिंग में, मतलब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक प्लस एमटेक दोनों किया है 5 साल में। अगर तुम नॉर्मली बीटेक एमटेक दोनों करने जाओगे तो तुमको 4 साल में बीटेक करना पड़ेगा, 2 साल एक्स्ट्रा लगा के एमटेक करना पड़ेगा, दैट इज 6 ईयर्स। एंड आप यहाँ पे 5 साल में ही डुअल डिग्री लेके बीटेक प्लस एमटेक दोनों कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग माइनर डिग्री भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी माइनर डिग्री थी बिजनेस मैनेजमेंट में, जिनको अच्छा लगता है वो कंप्यूटर साइंस में भी माइनर डिग्री करते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनके करियर के क्या प्लान्स हैं। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने तीसरी डिग्री अपनी माइनर डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में ली। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बावजूद रिसेंटली आईआईटीज में ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज भी आ गए काफी सारे न्यू एज प्रोग्राम्स के लिए। ये प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्यूचरिस्टिक डोमेन्स के अराउंड होते हैं एंड अच्छा करियर पाथ भी प्रॉमिस करते हैं। तो बेसिकली अब तुमको जेई एडवांस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आईआईटी के लेवल का एजुकेशन पाने के लिए। और ऐसी ही एक अमेजिंग डिग्री है बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस एंड एआई फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ताकि तुमको अच्छे से पता चले कि यार इसका रेलेवेंस है भी या नहीं, इससे क्या फायदे हैं तुमको, क्या नुकसान है इसके, ताकि तुम अपना डिसीजन बहुत ही वाइजली बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के ले सको एंड अपने करियर में फोड़ सको। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि यार ये ऑनलाइन डिग्री क्या होती है। कोविड के टाइम तो चलो ठीक था, बट आज के डेट में जब सब कुछ खुल चुका है ऑनलाइन डिग्री का क्या रिलेवेंस है? Well guys, ऑनलाइन डिग्री इज जहां आप घर से ही या कहीं से भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो बिना इंस्टीट्यूट आए। यहां लेक्चर्स रिकॉर्डेड या लाइव दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन होने की वजह से यहां पे सिर्फ थ्योरेटिकल बातें ही होंगी। इन डिग्री प्रोग्राम्स का अच्छा खासा पार्ट प्रैक्टिकल बेस्ड भी होता है, एंड जैसे कि एक ऑफलाइन डिग्री प्रोग्राम में तुम्हें डिग्री मिलती है, वैसे ही इन प्रोग्राम्स में भी तुम्हें प्रॉपर डिग्री मिलती है आईआईटी टैग के साथ, जो तुम्हें हर जगह हेल्पफुल होती है एंड मोस्टली वैलेंट होती है ऑफलाइन डिग्री के। अब देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तो साथ में एक और चीज आती है यहाँ पे, वो ये है कि मेजरली ये सारे कोर्सेज ना न्यू एज टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में होते हैं, लाइक डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। और अमेजिंग बात ये है कि आज का जो फ्यूचर है वो टोटली इन्हीं फील्ड्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि तुमको पता है कि कैसे आने वाले सालों में एआई टेक ओवर करने वाला है। तो वहां जहां बाकी कोर्सेज में कॉलेज वही सारी चीजें पढ़ा रही है जो सिलेबस इतने साल पहले डिसाइड हुआ था, आज तक चेंज ही नहीं हुआ, ये कोर्सेज बहुत नए हैं एंड बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं ये देखते हुए
कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो भाई साफ साफ बात है, एकदम बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं। यू नीड टू प्रॉमिसिंग थिंग्स फॉर योर प्रॉमिसिंग करियर। नंबर वन, अ गुड इंस्टीट्यूट डिग्री, विच नो डाउट IIT गुवाहाटी इज, एंड नंबर टू, अ हाई पोटेंशियल करियर फील्ड एंड स्किल्स। एंड AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर, ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज भी IITs मेजरली रेगुलर डिग्री प्रोग्राम ही चला रहे हैं ऑफलाइन डिग्रीज में। लाइक IIT गुवाहाटी में भी मेजर ब्रांचेस हैं CSE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। अब जरा ध्यान से अगर तुम देखो तो ये सारे ब्रांचेस जो है वो बहुत ही पुराने ब्रांचेस हैं, इनके सिलेबस भी बहुत पुराने हैं, एंड बहुत सारे केसेस में इनमें कोई अपग्रेड भी नहीं किया गया है। अगर तुम किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को देखोगे तो वहां तो भूल ही जाओ कि कुछ अपग्रेड भी हुआ है। बट आज के डेट में तुमको अच्छे से पता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कहां है, वो है AI में, वो है डेटा साइंस में, और किस रेट से AI डेवलप कर रही है तुमको उसका अंदाजा भी नहीं है। तो बेसिकली जहां पे ऑफलाइन का करिकुलम बहुत ही ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है, दुनिया बहुत आगे निकल रही है। एंड अच्छी बात यह है कि उस आगे निकलती दुनिया को तुम पकड़ सकते हो अपने घर बैठे जो ऑनलाइन डिग्री करके सेम उसी IIT से जहाँ पे जाना तुम्हारा सपना है। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा हो क्यों रहा है, अगर डेटा साइंस AI इतना ही इंपॉर्टेंट है और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका रिलेवेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये कोर्सेज चेंज क्यों नहीं कर रहे IIT वाले। वेल गाइस, इसका रीजन ये है कि ये पूरा करिकुलम एकदम से चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसमें काफी साल लगेंगे। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द IITs खुद से ये न्यू एज फील्ड्स के बारे में आपको सिखाती है, आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करती है ताकि आप घर बैठे बिना वेट किए कि कब ये करिकुलम चेंज होगा उस चीज को एक्सेस कर सको एंड अपने आप को न्यू एज के लिए प्रिपेयर कर सको। अब आराम से घर बैठो एंड अपनी न्यू एज टेक्नोलॉजीज को सीखो ऑनलाइन सिस्टम सेटअप करके, जो कि बहुत ही आसान होता है, आप इस देश के किसी भी कोने से किसी और कंट्री में जाके भी एक्सेस कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। तो अगर तुम JEE मेंस और एडवांस पे फोकस कर रहे हो, अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन साइंस के टुवर्ड्स है, तो डेफिनेटली तुमको इस डिग्री के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। और ये जानने के बाद कि ये डिग्री तुमको IIT गुवाहाटी प्रोवाइड कर रहा है, तुमको भी पता है कि इसका रिलेवेंस कितना हाई हो जाता है मार्केट में। अब मैं IIT गुवाहाटी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ तुम्हें भी अच्छे से पता है, बट चलो फिर से बता देता हूँ। NIRF रैंकिंग 2023 में IIT गुवाहाटी की 7th नंबर पे थी। 7th, जस्ट इमेजिन, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 7th नंबर पे थी उसकी NIRF रैंकिंग। आई एम डैम श्योर कि तुमको अच्छे से पता होगा ये बात अगर तुम JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो कि IIT गुवाहाटी वन ऑफ द टॉप IITs में काउंट होता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी IIT गुवाहाटी बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। और तो और अगर मैं IIT गुवाहाटी के प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और साथ में तुमको एक बहुत ही अमेजिंग एलुमनी नेटवर्क भी मिलता है। अगर मैं IIT गुवाहाटी के कैंपस की बात करूं तो मेरा मेंस का एडमिट कार्ड हो गया था एंड उसको वापस लेने के लिए मुझे अपने नियरेस्ट IIT जो कि IIT गुवाहाटी था वहां जाना था। सच बता रहा हूं, वहां का तुम जाओगे ना, इतना ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा ग्रीन है, बिल्कुल ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है गुवाहाटी में, तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग वाइब है भाई, मजा आ गया था वहां जाके, सीरियसली बता रहा हूं। अब तुम बोलोगे भैया ये डिग्री अगर ऑनलाइन है तो आप मुझे ये कैंपस की सुंदरता के बारे में क्यों बता रहे हो। मैं तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में तुमको IIT गुवाहाटी का कैंपस विजिट करने का भी मौका मिलता है एंड वहां रहने का भी मौका मिलता है। तुम ऑप्शनल कैंपस विजिट कर सकते हो फॉर अप टू 4 वीक्स इन 4 इयर्स। तो भाई साफ साफ बात है, एकदम बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं। यू नीड टू प्रॉमिसिंग थिंग्स फॉर योर प्रॉमिसिंग करियर। नंबर वन, अ गुड इंस्टीट्यूट डिग्री, विच नो डाउट IIT गुवाहाटी इज, एंड नंबर टू, अ हाई पोटेंशियल करियर फील्ड एंड स्किल्स, एंड AI इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर, ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस डिग्री के बारे में कि क्यों ये डिग्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा जानना ताकि तुमको पता चले कि मैं इतना क्यों चिल्ला के तुमको इसके बारे में बता रहा हूं। तुमने देखा है होगा कि कैसे ChatGPT के लॉन्च के बाद से ही कितना चेंज आ गया पूरे वर्ल्ड में। पीपल आर गेटिंग हेविली डिपेंडेंट ऑन AI बिकॉज इट इज मेकिंग आवर लाइफ इजी। ChatGPT, DALL-E और बहुत सारे जनरेटिव AI टूल्स मार्केट में आ गए हैं एंड बहुत जल्दी डोमिनेट भी करने लगेंगे। पीपल इन द फील्ड्स ऑफ AI, डेटा साइंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर गेटिंग द बेस्ट सैलरीज इन द मार्केट एंड पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। द एवरेज सैलरी ऑफ एनी एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया इज इजिली 8 to 10 lakhs पर एनम, विद द हाईएस्ट सैलरी इज गोइंग अप टू करोड़। तो फिर देर किस बात की है, अच्छे से पूरा ओवरव्यू लेते हैं BSc ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम IIT गुवाहाटी की। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर वन, तुम्हारे पास क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट लेवल का एक एजुकेशन होना चाहिए जिसमें कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंपलसरी होना ही चाहिए। एंड पॉइंट नंबर टू, तुम्हारे क्लास 12 में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए तभी तुम इसके लिए एलिजिबल होते हो। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो ये 4 साल का BSc ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ दिस प्रोग्राम इज ऑफर्ड बाय मेहता स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो स्पेशलाइज्ड स्कूल एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इन डेटा साइंस एंड AI इन IIT गुवाहाटी। इस प्रोग्राम में आपको 299 क्रेडिट्स मिलेंगे ड्यूरिंग द 4 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन। अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा इसका फी।
और जिसका फी है वही इसका सबसे बेस्ट बहुत ही सुंदर पार्ट है। इट्स ओनली 3.49 लाख रुपीज फॉर 4 ईयर्स। अगर तुम IIT से बीटेक डिग्री लेने के लिए आते हो तो तुमको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर तुम्हारे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं हो तो ऑब्वियसली अगर तुम कॉस्ट वाइज देखो तो ये डिग्री बहुत ज्यादा अच्छी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये डिग्री में जो तुमको सिखाया जाता है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसके साथ साथ दिस इज अ 4 ईयर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, बट इसको आप 8 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। फर्स्ट ईयर में एग्जिट पे आपको एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगी इन डेटा साइंस एंड AI। अगर आप सेकंड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा इन डेटा साइंस एंड AI, एंड अगर आप थर्ड ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको BSc डिग्री मिलेगी इन डेटा साइंस एंड AI, एंड अगर आप फोर्थ ईयर तक इस प्रोग्राम को करते हो तो आपको पूरी BSc ऑनर्स डिग्री मिलेगी इन डेटा साइंस एंड AI। इसको और स्मूथ बनाने के लिए आप सिंपली पे पर क्रेडिट के हिसाब से भी फी दे सकते हो। तो अगर 80 क्रेडिट्स कंप्लीट करके आप सर्टिफिकेट लेके एग्जिट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 80,000 पे करना होगा अपार्ट फ्रॉम द 50,000 एडमिशन फीस। सिमिलरली बाकी एग्जिट ऑप्शंस के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब मोटा मोटी मैं इस पूरी चीज को समराइज करूं कि इस डिग्री के क्या फायदे हैं वो तुमको झट से बताता हूं। नंबर 1, तुम AI इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, ML इंजीनियर, डेटा एनालिसिस एंड सिमिलर रोल्स परस्यू कर सकते हो प्रोग्राम के बाद। तुम अपने पेस से इस प्रोग्राम को मैक्स 8 साल की ड्यूरेशन में भी कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें मशीन लर्निंग सिस्टम्स को डेवलप करना एंड उन्हें लार्ज स्केल AI मॉडल्स पे इंटीग्रेट करने का मौका भी मिलेगा। इवन इस डिग्री के साथ तुम एलिजिबल भी होगे मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम के लिए फ्रॉम IIT गुवाहाटी। ऑब्वियसली इसके लिए तुमको उनका एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। काफी सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे फ्रॉम मेटा, IBM, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। पूरे कोर्स में तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे एंड इवन उनकी क्वालिटी गाइडेंस भी मिलेगी। GPT, generative AI and related fields में hands on experience मिलेगा and आपको well equipped होने का chance मिलेगा in tech and tools में। And the one thing जो कि इस degree को बाकी online degree से अलग बना देता है वो ये है कि तुमको बहुत सारे network and communities का access मिलेगा, like IIT Guwahati Alumni Network and mentorship platforms like ADP List and Coursera Hiring Solutions. In fact, you will get 5,400 plus courses from 275 plus universities on Coursera. So guys, these were the complete details about this amazing degree program from IIT Guwahati. एंड डेफिनेटली एज एन IITian मैं इस बात को दावे के साथ तुमको कह सकता हूँ कि दिस प्रोग्राम हैज ह्यूज पोटेंशियल टू गिव अ गुड ट्रैक टू योर करियर एंड एनहांस योर स्किल्स। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स जो कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल थ्रू JEE और नॉन JEE मोड। इफ यू हैव JEE एडवांस एलिजिबिलिटी देन यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट। एल्स यू विल बी एबल टू टेक अ क्वालिफायर टेस्ट विच विल कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस एंड आप एलिजिबल हो जाओगे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। एंड गाइज द एप्लीकेशन फी इज ओनली 500 रुपीज। अभी दिवाली आ रहा है, आई एम डैम श्योर कि तुम 500 रुपए कहीं ऐसे रैंडमली उड़ा देने वाले हो। इस चीज में लगाओ, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है तुम्हारे करियर को। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 30th of September, मतलब बहुत ही कम टाइम है तुम्हारे पास इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए नीचे अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करो एंड इसका फॉर्म फिल कर दो। जो तुम्हारी क्लासेस है नई इस डिग्री के लिए वो शुरू होने वाली है 30th of October से, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस वाज द एपिसोड 5 ऑफ फ्यूचर यू ओनली फॉर यू गाइस, क्योंकि इस एपिसोड का गोल ही यही है कि मैं तुमको नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजों के बारे में बताता रहूं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि तुम अपने करियर में फोड़ सको एंड आगे निकल सको। इसके अलावा तुम्हारे IIT रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर इस डिग्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी चीज जो कि तुमको बॉदर कर रही है अपने प्रिपरेशन में, प्लीज नीचे कमेंट करो। उसके ऊपर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि रिप्लाई करूं या फिर एक नई वीडियो लेके आऊं ताकि तुमको तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प हो। दिस इज इक्लिप्स नाउ साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।